जो आज बोकारो धनबाद या अन्य जगहों पर भाषा के लिए संघर्ष लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के उस नोटिफिकेशन का, मैंने इसीलिए कहा कि इस नोटिफिकेशन की जवाबदेही सरकार को लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री के इस नोटिफिकेशन से उस सरकार के सहयोगी सहमत हैं या नहीं, अगर सहमत नहीं है तो फिर कैबिनेट के होने का कोई औचित्य नहीं या कैबिनेट में होने का कोई औचित्य नहीं। दूसरा, उस दल का जिस दल ने इस कैबिनेट से इसको पास किया है, चूँकि अपने को भूमि पार्टी इस झारखंड की पार्टी कहते हैं, तो झारखंड की पार्टी और झारखंड के लोगों के खिलाफ में जाने से पहले, उनके सिग्नेचर करने से पहले उनके हाथ क्यों नहीं काटे? और ये जवाब उनको देना होगा, उनके दल को देना होगा, उनके प्रतिनिधि को देना होगा। हमने तय किया है कि उनके दल के सारे प्रतिनिधि, हो सकता है कि इनका विचार अलग हो सकता है, मैंने अखबार में भी देखा है, तो उनको विचार के लिए पार्टी की ओर से यहाँ की मूल भावना का एक अभियान चला के उन तक पहुँचेंगे, उनको एक आवेदन देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि अपना मत बाहर भी और भीतर भी स्पष्ट करें। और ये सारे में अगर स्पष्ट विचार नहीं आता है तो इस राज्य की अस्मिता की लड़ाई को निर्णायक लड़ाई बदलने के लिए उस संविधान की उस संस्था तक पूरे राज्य के लोगों को कूच कराने का भी निर्णय पार्टी ने लिया है। विषय को लेकर हम लोग ने लगातार मुखर रहे हैं, पार्टी लगातार आंदोलन करते रही है। इतना तक हुआ कि इस के ज्ञापन या इसके लिखित संदेश को मुख्यमंत्री तक पहुँचाने पर हमसे सहित पार्टी के हजारों लोगों पर केस किया जाता है। पार्टी इस लड़ाई को एक मुकदमे और उस दायरे पर नहीं चाहती, इसको निर्णायक में ले जाना चाहती है। और पार्टी ने दो बात कहा है कि जो राष्ट्रीय मानक के आधार पर या राज्य के जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा के आधार पर राज्य को उसको आरक्षण देना पड़ेगा। लंबे समय से यह आरक्षण केवल नौकरी नहीं बल्कि भागीदारी का सवाल है। और साथ ही साथ हमने कहा है कि प्रदेश के अंदर में OBC की जनगणना कराई जाए, पिछड़ों की जनगणना हो। हमने ये भी आज तय किया है कि सरकार, चूँकि प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया और फिर मैंने राज्य सरकार से भी आग्रह किया है कि अगर दोनों सरकारें इसमें आगे कदम नहीं बढ़ाती है तो संगठन खुद अपना आयोग बनाकर एक वास्तविक डाटा पब्लिक डोमेन में रखने का काम करेगा। रोजगार एक बड़ा विषय है, रोजगार का एक बाधा इस गवर्नमेंट के गठन होने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। यहाँ तक कि जो नौजवान जो हैं यहाँ के, उन नौजवानों को, ग्रेजुएट नौजवानों के लिए 5,000 नौकरी ना मिलने पर और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 7,000 निश्चय किया गया था, आज उस दायित्व से पीछे हट रहे हैं। यहाँ तक कि 5 लाख लोगों का वो वर्ष भी पार हो गया, आपने देखा होगा। और आज भी सरकार का निश्चय है, हमने यही कहा है कि सरकार को यहाँ के नौजवानों का डाटा ना होगा, क्योंकि डाटा एकत्रित करने का कोई जगह ना होगा इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में पार्टी गांव, पंचायत और प्रखंड के नौजवानों और खाली हाथ बैठे लोगों का डाटा इनके नीचे के जो पदाधिकारी हैं, खासकर प्रखंड स्तर के पदाधिकारी के यहाँ जमा कराएंगे और उसकी गिनती सरकार तक पहुँचाने का काम।